यूनिवर्सिटी आपको लेकर चलते हैं, जहां पर परिणाम तो आ चुके लेकिन इसके बाद किस तरह से हंगामा हुआ है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पुलिस का जाब्ता बड़ी तादाद में तैनात था और इन्हें नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पूरी जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे अपने संवाददाता से कि आखिर यहाँ पे अचानक ऐसा क्या हुआ। हालांकि परिणामों के बाद उग्र हो जाते हैं छात्र, धांधली के आरोप भी लगते हैं, गड़बड़ी की आशंका भी जताई जाती है। लेकिन ये देख सकते हैं आप, जब छात्र को पुलिस लेकर गई है, लेकिन किस तरह से हंगामा यहाँ पर बरपा, यह हम तस्वीरें हम आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी से दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस का बड़ा जाब्ता मौजूद रहा और पुलिस यहां से हिरासत में लेकर गई है एक छात्र को। और इस पर चलिए बातचीत करते हैं, शिवेंद्र परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, क्या हुआ राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर, परिणाम आने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ, पुलिस हिरासत में भी लेकर गई है छात्र को? देखिए आरू में काफी हंगामा हुआ है। जो शोध प्रतिनिधि के छात्र थे विक्रम थालोर, जो चुनाव हारे हैं, उन्होंने रिकाउंटिंग की मांग की थी और उसके बाद उन्होंने उनको पुलिस ने बाहर के हमारे साथ नेवी चंदी, नेवी चंदी क्या हुआ था बताइएगा। इनकी तरफ से कोई कैंडिडेट गया है कि जो रिकाउंटिंग का समय है मांग करने का, उसके बाद गया है जाके कहा कि नहीं मुझे रिकाउंटिंग चाहिए। अगर रिकाउंटिंग चाहिए थी तो ये टाइम पे जब थी उसी टाइम बोलना चाहिए था। उन्होंने अंदर हंगामा किया सर? हाँ, अंदर जाके न्यूसेंस करने की कोशिश की, उसको भिजवाया है। तो देखिए उनको भिजवाया है, आप उनके अगेंस्ट चुनाव जीते? नहीं नहीं, मैं आप उनके साथ हैं विक्रम सिंह का, जिनको पुलिस पकड़ के ले गई। तो बताइए क्यों नाराज हुए विक्रम सिंह? क्या विक्रम सिंह जी नाराज इसलिए हुए, मैं काउंटिंग एजेंट था अंदर, मैंने अंदर भी मांग उठाई थी कि इनकी रिकाउंटिंग करवाई जाए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन, विश्वविद्यालय का कुलपति, बोर्ड, सब लोग RR के चुनाव में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट। हर जीत का अंतर क्या रहा है महेंद्र भाई, अंतर क्या रहा था? 10-12 वोटों का अंतर रहा है। जो इन्होंने 125 और 113 वोट बताए वहाँ काउंटिंग में इन्होंने अनाउंस किया, वो वोट भी टोटल 244 नहीं हो रहे हैं। और रिकाउंटिंग के लिए कहा तो उन्होंने वहाँ के इसरो ने उन्होंने मना कर दिया। और जब बाहर आके मैंने कैंडिडेट को ये चीज़ बताई है और कैंडिडेट जब अंदर गया है तो उसको बोल रहे हैं 20 मिनट हो गई, बल्कि वो 10 मिनट के अंदर अंदर चला गया। नतीजे आए तब भी आपने कहा था कि रिकाउंटिंग कराई जाए? नतीजे हमारा क्या, अंदर जाने के बाद आधे घंटे में काउंटिंग करके वो ऊपर पैक करके उनको रख लेते हैं, हमें बताया नहीं जाता कि आपके कितने आए कितने नहीं आए, उससे पहले हम बोल भी नहीं सकते कि हमारी रिकाउंटिंग करवाई जाए। हम तो नतीजे आने के, जब आपने बोला, जब आपने पहली बार बोला तब क्या रिस्पॉन्स था? उस टाइम नहीं माने वो रिकाउंटिंग के लिए कि जो हो गया वो जो हो गया। उसके बाद में जब कैंडिडेट को मैंने आके बताया तो कैंडिडेट अंदर गया तो उसको बाहर पुलिस के द्वारा अरेस्ट करवा दिया। और ये किस पोस्ट के लिए थे? रिसर्च रिप्रेजेंटेटिव के पोस्ट के लिए थे, 200 छात्र प्रतिनिधि, छात्र प्रतिनिधि के। तो देखिए यहाँ पर नतीजों में गड़बड़ी का आरोप भी लगा है और जो शोध छात्र प्रतिनिधि की पोस्ट है उस पर एक कैंडिडेट थे विक्रम थालोर, उन्होंने यहाँ पर आरोप लगाए हैं कि उनको रिकाउंटिंग का मौका नहीं गया। फिलहाल जो सुरक्षा के इंतजाम है वो काफी कड़े हैं, DCP ईस्ट राहुल जैन भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, वो भी यहाँ पर पहुंचे, उनसे हम थोड़ी सी बातचीत भी करेंगे। तो राहुल जैन यहाँ पर पहुंचे हैं, जो DCP ईस्ट है वो सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि थोड़े समय के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय में माहौल बिगड़ा है, कुछ युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनका आरोप यह है कि तय समय में उन्होंने अपील की थी जो अधिकारी थे अंदर कि हमारी रिकाउंटिंग कराई जाए, इसके बावजूद जो चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया और जिसके बाद जो विक्रम थालोर थे उन्होंने अंदर जाकर कुछ हंगामा किया। लेकिन शिवेंद्र, क्या सिर्फ विक्रम को ही हिरासत में लेकर गई है पुलिस या कुछ साथी भी थे जिनको हिरासत में लिया गया है ताकि यहाँ पर शांति कायम हो सके? देखिए अभी सिर्फ विक्रम को ही पुलिस ने हिरासत में लिया है क्योंकि वो अंदर चले गए थे जहाँ काउंटिंग हो रही थी, वहां उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की थी जिसके बाद पुलिसकर्मी उनको बाहर पकड़कर लाए थे। और सुबह से जब से यहाँ काउंटिंग चल रही है, जब से पहली बार इस तरह का माहौल बनाया कि कोई हंगामा हुआ है, क्योंकि हमने देखा है पुलिस के काफी कड़े इंतजाम थे यहाँ सुरक्षा के और अभी भी जैसे हंगामे की स्थिति बनी है। अब काउंटिंग स्थल के बाहर पवन आपको दिखाएंगे तस्वीरें कि कितनी बड़ी तादाद में जो पुलिस अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि सुबह से ही सब कुछ बड़ी शांति से चल रहा है और अब बहुत अंतिम समय है जब कभी भी, क्योंकि एक पोस्ट के लिए रिकाउंटिंग अंदर चल रही है जिसके द्वारा शिवेंद्र आप नजर बना रहे हैं। शिवेंद्र आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और इसी के साथ